तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के जो अपडेट आए हैं यूट्यूब की तरफ से, वो गाइस बड़ी मस्त अपडेट आए हैं। 2 अक्टूबर को गाइस आज गांधी जयंती है। आज की तारीख को आप यूट्यूब ने बहुत से नए अपडेट अपलोड किए हैं। यूट्यूब पे अपलोड तो नहीं किए, मतलब क्लियर कर दिया है बिल्कुल कि ये आने ही हैं 2023 को। तो गाइस वो क्या आने हैं वो मैं आपको बता दूँ। गाइस कॉपीराइट क्लेम का प्रॉब्लम उन्होंने ख़त्म कर दिया है गाइस, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। कॉपीराइट क्लेम जो आता था, वो जितना भी पैसा आता था, जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होती थी, वो गाइस किसी और के पास जाती थी। लेकिन अब जो होता है वो कुछ अलग सिस्टम है। तो गाइस बने रहिए हमारी वीडियो में, सारी चीज़ें समझाएंगे कैसे है क्या है। तो ये गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो कर दीजिए लाइक। हम मिलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, जो कॉपीराइट क्लेम की प्रॉब्लम थी वो तो गाइज बिल्कुल ही सॉल्व हो चुकी है। क्योंकि गाइज अब क्या होता था, पहले कॉपीराइट क्लेम अगर हम कोई वीडियो बनाते थे और गाइज उस पर कॉपीराइट क्लेम आता था, अब गाइज उसके जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था, जितना भी पैसा होता था, वो सारा उस कॉपीराइट ओनर को जाता था जिसका वो म्यूज़िक है। अब मानो अपने टी सीरीज़ की कोई भी सॉन्ग लिया, तो जितना भी हमारा रेवेन्यू होगा, जितना भी उसका पैसा मिलेगा, वो सारा टी सीरीज़ की तरफ चला जाएगा। हमें कुछ नहीं मिलने वाला कुछ भी। अब जो होगा गाइस वो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे जो YouTube है उन्होंने अपडेट निकाला है, जितना भी पैसा आएगा जो आपको वीडियो बनाओगे, आप उसका जो म्यूज़िक लोगे, मानो टी सीरीज़ का आपने म्यूज़िक लिया या किसी कंपनी का म्यूज़िक लिया, तो अब आप वहाँ से उसे परचेज़ कर सकते हो। $1, $2, $3, $100 और $1000 तक, अगर वो ट्रेंडिंग कंपनी है, ट्रेंडिंग म्यूज़िक है वो, तो आप उसका $1000 भी दे सकते हो। और अगर वो ऐसी म्यूज़िक है आलतू फालतू, तो उसका $1 या $2 बनता है। अब गाइज उसे आप ख़रीद भी सकते हो। अगर आपको ख़रीदना नहीं है, आपको ऐसी बनाना है और पैसा भी अर्न करना है, तो गाइज इसके लिए भी यूट्यूब अब कर चुका है। तो पहले क्या होता था, सारा उसे जाता था जिसका म्यूज़िक है, आपकी वीडियो बेकार हो जाती थी आपने जो भी बनाई थी। लेकिन अब अगर आप वीडियो कैसे बनाते हो और कॉपीराइट क्लेम आ जाता है आपकी वीडियो पर, तो वहाँ से जितना पैसा आएगा 45% यूट्यूब रखेगा, और जो 55% होगा वो गाइस हमें मिलता था क्रिएटर्स को। लेकिन अब गाइस कॉपीराइट क्लेम वाली वीडियो पे उन्हें मिलता था जो इनका म्यूज़िक ओनर था। अब गाइस 55 को हम आधे कर देते हैं, 27.5 रुपीज़ हमें मिलेगा और 27.5 रुपीज़ उन्हें मिलेगा जिनका म्यूज़िक है। अब गाइस इनमें आधे आधे कर चुके हैं, 45% वो, 27.5 हमें और 27.5 उन्हें। पूरा ये सब क्लियर हो चुका है। अब गाइज अगर आपको 55% पूरा ही अगर आपको लेना है जो रेवेन्यू जनरेट होगा, तो आपको म्यूज़िक परचेज़ करना पड़ेगा। और ये गाइज 2023 से लागू होने वाले हैं ये अपडेट, ये क्लियर हो चुके हैं। 1 जनवरी 2023 से ये बिल्कुल लागू हो जाएंगे। तो गाइज कैसा लगा ये आपको अपडेट? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ तो मिलेगा जिसे कुछ नहीं मिलता था उसे कुछ तो मिलेगा। और गाइस यूट्यूब का जो शॉर्ट चैनल है उसके लिए भी बड़ा ही मस्त अपडेट निकाला है यूट्यूब ने। अब क्या होगा, अगर आपके जो व्यूज़ आए हैं 10 मिलियन व्यूज़ 90 डेज़ में कंप्लीट करना है, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन 1 जनवरी 2023 को आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा गाइस, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हैं, तो आपका 1 जनवरी 2023 को चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके 10 मिलियन व्यूज़ नहीं कंप्लीट हैं, तो आपको 1 जनवरी 2023 से आपका काउंट होना चालू हो जाएगा। आप वहाँ से काउंट करवाने का आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो इसके लिए भी बहुत प्रोफेशनल है। और गाइज मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि शॉर्ट्स क्रिएटर्स को 45% मिलेगा जो भी उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, 55% वो यूट्यूब रखेगा, जो कि हमारे साथ लॉन्ग वीडियोज़ वालों के साथ उल्टा है। ताकि 55% वो क्रिएटर्स को देता है, 45% वो खुद रखता है। और गाइज मैंने कॉपीराइट क्लेम का आपको बता दिया है। और अब गाइज आज से कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा किसी भी वीडियो का, आज से नहीं 2023 से नहीं आनेगा किसी भी वीडियो का ऑपरेट। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसे लगी?